हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइटल कैपेसिटी के अंदर जो आपने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी होगी, FEV1, FVC यानी कि फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, फोर्स वाइटल कैपेसिटी। तो ये टर्मिनोलॉजीज क्या होती है और कैसे लंग फंक्शन टेस्ट के अंदर इन टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करके हम पेशेंट के लंग्स फंक्शन को असेस करते हैं। तो आज की वीडियो में यही जानकारी आपको देंगे कि आप अपनी रोज़ की क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर कैसे इन टर्मिनोलॉजीज़ को देख के पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का जो लंग है वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, हमने लंग फंक्शन टेस्ट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने आपको बता रखा है कि लंग फंक्शन टेस्ट कैसे किया जाता है, इसके इंडिकेशन क्या हैं और किस तरीके से इससे आप अपने जो लंग है उसका फंक्शन जो है वो असेस कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये FEV1, FVC ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये कैसे काम करती है। तो पहले बात करते हैं लंग फंक्शन टेस्ट की। लंग फंक्शन टेस्ट के अंदर डॉक्टर्स 3 टेस्ट करते हैं जिसमें पहला आता है स्पायरोमीट्री, दूसरा आता है प्लेथिस्मोग्राफी टेस्ट और तीसरा होता है डिफ्यूजन कैपेसिटी टेस्ट। इन तीनों टेस्ट के माध्यम से आपके लंग फंक्शन को पता किया जाता है। अब बात करते हैं जो पहला टेस्ट जो होता है स्पायरोमीट्री, जिसके अंदर इस्तेमाल की जाती है यह टर्मिनोलॉजी जिसको हम बोलते हैं FEV1 यानी कि फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों, जब आप स्पायरोमीट्री टेस्ट करते हैं तो जब आप ब्लो करते हैं तो 1 सेकेंड के अंदर आपने जो अमाउंट ऑफ एयर ब्लो की है 1 सेकेंड के अंदर फोर्सिबली, उसको हम नोट डाउन करते हैं यानी कि फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, कि जितनी अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग से आप एक्सपेल आउट करते हो, ब्लो करते हो 1 सेकेंड के अंदर, उसको नोट डाउन किया जाता है। और इसके अंदर ही दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, FVC। इसका मतलब क्या होता है कि एक ब्रीथ के अंदर आप कितना मैक्सिमम एयर अपने लंग से एक्सपेल आउट कर पाते हो स्पायरोमीट्री टेस्ट के अंदर। तो दोस्तों, ये इस दोनों टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है, FEV1 और FVC का। अब इससे हम पता कैसे लगाते हैं कि आपको लंग फंक्शन जो आपका अच्छा है या ख़राब है? तो दोस्तों, इन दोनों कैपेसिटीज़ को यानी कि FEV1 और FVC को कैलकुलेट करने के बाद हमको इसको डिवाइड करना पड़ता है यानी FEV1 डिवाइडेड बाय FVC यानी कि फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय फोर्स वाइटल कैपेसिटी। तो इसका जो रेशियो आता है, अगर वो 70-80% है यानी कि आपका जो लंग है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, पर अगर 70% से कम है तो ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आपको COPD हो या दूसरे लंग की कोई डिजीज़ हो। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से FEV1 और FVC की मदद से हम हमारे जो लंग है उसका फंक्शन का पता करते हैं, उसको असेसमेंट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया कि FEV1 और FVC टर्मिनोलॉजीज क्या होती है और कैसे ये हमारे लंग फंक्शन को टेस्ट करने में स्पायरोमीट्री टेस्ट के अंदर हमें मदद करती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्पायरोमीट्री टेस्ट से रिलेटेड और FEV1 और FVC टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड आपके जो भी सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें और ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।